हाय गाइस, वेलकम एवरीवन। चलिए जल्दी से सब लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम लोग आज का एमसीक्यू शुरू कर सकें। हेलो आस्था, गुड आफ्टरनून। सो वेलकम एवरीवन टू अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम पारुल माथुर है और मैं आपको डेली लाइव क्लासेस लेती हूँ फॉर पॉलिटिकल साइंस पेपर वन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑलराइट, आई एम डूइंग माय पीएचडी राइट नाउ इन पब्लिक पॉलिसी। इसके अलावा आई एम सेट क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड अ ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। जैसे कि आप सब जानते हैं, अन अकेडमी जो है वो भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। रोज़ाना हम क्लास करते हैं 2 बजे, उसके बाद 7 बजे फॉर पेपर 2 एंड देन पेपर 1। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सिलेबस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं एंड जिस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसके अनुसार हम अपनी तैयारी करते हैं। लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेज। गुड आफ्टरनून कुमार, हेलो हीरा लाल, वेलकम। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, जैसे कि आप देखते हैं मेरी स्पेशल क्लास होती है हर रोज़ 7 बजे पेपर 1 के लिए, ठीक है। आप मुझे वहाँ पर देख सकते हैं फॉर लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। अनलिमिटेड एक्सेस, ये क्लास रिकॉर्ड हो जाती हैं, आप इनको दोहरा के दोबारा देख सकते हैं या फिर अगर इन केस आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो आप उसको देख सकते हैं। मेरे अलावा और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं अन अकेडमी पे। ऑलराइट, दे आर इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स। कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है उस प्रकार के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। हाउ टू रजिस्टर, आपको अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना होता है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द ऐप, आप को अपना गोल चूज़ करना होता है विच इज़ NTA UGC नेट। ऑलराइट, वंस यू हैव सिलेक्टेड योर गोल, आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। जितना ज़्यादा महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एज ऑफ नाउ स्पेशल क्लासेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ठीक है। बट उसके बाद अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ज़्यादा महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके, आप अपने आप को इनफ समय दे सकें। मेरा नाम पारुल, याद रखिए, इसको अगर आप अपने कोड में यूज़ करते हैं तो आपको मिल जाता है 10% का डिस्काउंट, ठीक है। तो चलिए सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम क्लास को शुरू कर पाएँ। ओके, चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन, द थिंकर हु सिंथेसाइज जर्मन एंड इंग्लिश लिबरलिज्म। ओके, वो थिंकर जिसने जर्मन और इंग्लिश लिबरलिज्म को सिंथेसाइज किया था, उनका नाम क्या है?
ओके इंदिरा कह रहे हैं ए, ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी. ओके बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इनका नाम है लियोनार्ड हॉबहाउस. ठीक है, इनका नाम है पूरा लियोनार्ड हॉबहाउस. ये क्या है, ये ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर हैं. ही इज अ ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर. ओके एंड इन्होंने बात की है सोशल लिबरलिज्म की. ठीक है, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, सोशल लिबरलिज्म. ओके इनकी बुक आई थी जिसका नाम है लिबरलिज्म. ऑल राइट, इनकी किताब का नाम ही लिबरलिज्म है. ये आई है 1911 में. ठीक है, इसके अलावा इनको न्यू लिबरलिज्म के लिए भी जाना जाता है. ठीक है, हॉब हाउस के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने बताई आपको. सबसे पहले बात, इनका पूरा नाम है लियोनार्ड हॉब हाउस. ये ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे. ये इनकी जो थ्योरी है उसको सोशल लिबरलिज्म कहा जाता है. न्यू लिबरलिज्म इज आल्सो एसोसिएटेड विद लियोनार्ड हॉब हाउस. इसके अलावा इनकी किताब आई थी लिबरलिज्म नामक, जो कि पब्लिश हुई थी 1911 में. ठीक है, अगला देख लें. एक्सेलेंट सोनू, बिल्कुल सही है आपका आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए अगला. अनसॉल्व्ड में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसॉल्व्ड. हाय प्रिया, वेलकम बैक. चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरिस्ट ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म. इसमें से कौन पॉलिटिकल रियलिज्म के थ्योरिस्ट नहीं है. मनोज, करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज डी. ओके द करेक्ट आंसर इज डी, जोसेफ ग्रेचो. ठीक है, या फिर ग्रेको. ओके नेक्स्ट, द फ्रेज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वॉज कॉइंड बाय. मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये जो टर्म है ये किसने बनाया है, ट्रूमैन, आइजनहावर, कैनेडी या फिर निक्सन. ओके
चलिए सी. एक्सेलेंट. चिंटू, कुमार, विनोद, नेहा, प्रिया, हीरालाल, आस्था. एब्सोल्युटली करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज सी, यानी कि सॉरी द करेक्ट आंसर इज बी. ओके आई एम सॉरी, सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज बी. ऑल राइट सोनू. ओके आप लोग प्लीज क्वेश्चन नंबर लिखिए, अदरवाइज मुझे नहीं समझ आएगा. चलिए सो मैं बता देती हूँ आपको, द करेक्ट आंसर इज आइजनहावर. आइजनहावर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. इनका नाम है ड्वाइट आइजनहावर. ठीक है, इनका जो पूरा नाम है वो है ड्वाइट डी आइजनहावर. ओके ये अमेरिकन पॉलिटिशियन थे, ये 34th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के. ये मिलिट्री में इन्होंने सर्व किया था. ठीक है, ये आर्मी में भी इन्होंने सर्व किया था. उसके बाद ये पॉलिटिशियन बने. पॉलिटिशियन बनने के बाद इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ये मिलिट्री में थे. उसके बाद 34th प्रेसिडेंट बने अमेरिका के. ऑपरेशन टॉर्च में इन्होंने लीड किया, जिसमें कि इन्वेजन ऑफ नॉर्मेंडी हुआ था, और ये हुआ था 1942 से 43 के बीच में. ठीक है, ऑलराइट मूविंग ऑन. हिंद स्वराज डिपेंड्स ऑन, हिंद स्वराज किस पे डिपेंड करती है? हाय रिया, वेलकम. ओके सोनू, चिंटू, इंदिरा, करेक्ट आंसर इट्स डी. ओके लिंकन्स यूएसए. किसी ने लिखा है डी? ऑल राइट, इसका करेक्ट आंसर होगा डी. ठीक है, मैं आपको इनके अब्राहम लिंकन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. अब्राहम लिंकन जो थे वो 16th अमेरिकन प्रेसिडेंट थे. ठीक है, अब्राहम लिंकन वॉज 16th अमेरिकन प्रेसिडेंट. इनको इन्होंने अमेरिकन सिविल वॉर के थ्रू प्रेसिडेंटशिप की थी. अमेरिकन सिविल वॉर के थ्रू इन्होंने प्रेसिडेंट की थी. इसके अलावा इन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश किया था. स्लेवरी को यानी के स्लेवरी को हटाया था, स्लेवरी अबॉलिशन किया था. और इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को और स्ट्रॉन्ग किया था अमेरिका में. ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और स्ट्रॉन्ग किया था. इसके अलावा इन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ US इकॉनमी की थी. ठीक है, ये इनके कुछ अचीवमेंट्स हैं. ही वॉज द 16th अमेरिकन प्रेजिडेंट. अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान यही अमेरिका के प्रेजिडेंट थे. स्लेवरी अबॉलिशन किया था, फेडरल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग किया था इन्होंने, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ UN इकॉनमी के लिए इनको क्रेडिट दिया जाता है. ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1809 में और इनका देहांत हुआ है 1865 में. ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5. हिंदी में ऑप्शन सी इज राइट. ओके ठीक है, चलिए ऑल राइट सोनू, आपका आंसर सही था. क्वेश्चन नंबर 5.
सोनू करेक्ट है आपका आंसर, इट्स डी. ओके, इट्स डिफ्रेंसिएशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट. पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसको क्रेडिट है? अमर्त्य सेन, ओके, समीर अमिन एंड एग्रेस. ओके, ये कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जो बात करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट की. कैपेसिटी, इक्वालिटी एंड फ्रिटर्निटी जो है दैट इज़ कंसिडर्ड एज टू बी एन इंडिकेटर्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट. ठीक है, डिफ्रेंसिएशन इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी कि भेदभाव और विभेदीकरण जो होता है दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 6, द आइडियल टाइप ऑफ फेडरलिज्म. What is the ideal type of federalism? Ideal type of federalism. आदर्श फेडरलिज्म कौन सी होती है? ओके प्रवीण, एक्सेलेंट, ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, डुअल फेडरलिज्म जो होती है वो आइडियल टाइप ऑफ फेडरलिज्म होती है. क्यों? बिकॉज डुअल फेडरलिज्म जो होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से और एकदम स्टार्कली डिवाइड करती है स्टेट और यूनियन की पावर्स को. ठीक है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म मैंने आपको बताया था इंडियन एग्जाम्पल दैट व्हाट इज बार्गेनिंग फेडरलिज्म. ठीक है, कौन बात करता है बार्गेनिंग फेडरलिज्म की? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताइए इसका आंसर. न्यू फेडरलिज्म जो है वो एक प्रकार की वो फेडरलिज्म होती है जिसमें बेसिकली पावर जो होती है सारी सेंटर के पास होती है, और कहने को जो स्टेट है उसके पास भी पावर होती है मगर वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड पावर होती है. ठीक है, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ न्यू फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज सिमिलर टू बार्गेनिंग फेडरलिज्म, जिसमें कि जो स्टेट और यूनियन है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके फंक्शन करते हैं. डुअल फेडरलिज्म जो होती है उसमें क्लियरली डिस्टिंक्शन ड्रॉन होता है कि ये स्टेट का काम है और ये यूनियन का काम है. ठीक है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है और ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है. एक्सीलेंट इंदिरा, बहुत अच्छे. बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात करते हैं मॉरिस जोन्स, जिसमें वो कहते हैं इंडियन एग्जाम्पल. ठीक है, वो कहते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो एक प्रकार की बार्गेनिंग फेडरलिज्म है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन. आस्था, हो सकता है कि आपके पास अपडेटेड आंसर की ना हो. ठीक है, क्योंकि यूजीसी कभी भी एक बार में सही आंसर की नहीं निकालता है, वो बार बार अपनी आंसर कीज निकालता रहता है. सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा, ये मैंने आपको कल भी बताया था. ठीक है, कल भी एक क्वेश्चन में मैंने आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, तो उससे आपको आंसर मिल जाना चाहिए इसका. चलिए जल्दी से जवाब दीजिए. इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इज द प्रिंसिपल ऑफ चलिए ओके तो मैं बता देती हूं आपको करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज सी. ओके, एग्जीक्यूटिव सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कहीं है तो वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है. जो प्रेसिडेंट होता है ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री. ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है वहाँ पे? प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ के एग्जीक्यूटिव हेड. एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर के बीच में डिफ्रेंसिएशन होता है. देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. दे आर नॉट म्यूचुअली को एग्जिस्टिंग. ठीक है, दे आर ए म्यूचुअल, यानी कि वो एक दूसरे से अलग होते हैं और एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करता है. ठीक है, इट्स ओनली द प्रेजिडेंट हु इज़ कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव जो कार्य करते हैं, ठीक है, किसका?
कार्यकारी विभाग जो होता है उसकी स्वतंत्रता की सबसे ज़्यादा बात करता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बहुत स्ट्रांगली अपहोल्ड करता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रिंसिपल को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8, आस्था, एक्सीलेंट, इट्स सी, मनोज, बिल्कुल सही, प्रिया, करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, डायलेक्ट मेथड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, डायलेक्ट मेथड जो है वो पहली बार किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? सिंपल है. एग्जैक्टली, बबली, बिल्कुल सही. सबसे पहले यूज़ किया था प्लेटो द्वारा, ठीक है, जिसमें वो कन्वर्सेशन बताते हैं सोक्रेट्स का, ठीक है, अपने डिसाइपल्स के साथ. ओके, वो सॉरी सोक्रेट्स का किंग के साथ, ठीक है, किंग के साथ जो उनका कन्वर्सेशन है वो बताते हैं हेगल, ठीक है, लेकिन सॉरी प्लेटो, लेकिन क्योंकि प्लेटो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, हेगल. हेगल ने सबसे पहले कब यूज़ किया था? 19th century में उन्होंने डायलेक्टिकल मेथड को यूज़ किया था. बबली, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे से आपने बताया. वॉट इज़ डायलेक्टिकल मेथड, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ. डायलेक्टिकल मेथड इज़ डायलॉग, ठीक है. अगर आपने किसी ने भी हिंद स्वराज पढ़ी है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो एक बार पढ़िए ये बुक. दिस बुक इज़ रिटन बाय महात्मा गांधी. ओके, दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डायलेक्टिकल मेथड, जिसमें हम जो फिलोसफी है या जो आइडिया है उसको एक्सप्रेस करते हैं इन अ वे जिसमें हम ये दिखाते हैं कि दो लोग या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में डायलॉग्स एक्सचेंज हो रहे हैं, एंड वो जो डायलॉग्स एक्सचेंज हो रहे हैं उसके थ्रू जो है आइडियाज़ या जो फिलॉसफी है वो उभर कर आती है. अगर देखा जाए टेक्निकली तो सबसे पहले डायलेक्टिकल मेथड का यूज़ किया था सोक्रेट्स ने, ठीक है, लेकिन सोक्रेट्स जो थे उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी थी, इसलिए जो इसका क्रेडिट है वो जाता है प्लेटो को. बट यहाँ जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसमें करेक्ट आंसर होगा हेगल, ठीक है, 19th century. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन्स डू नॉट हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? चलिए सिंपल सा है, प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन जो है उसको बनाया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको मतलब उसको देन डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है, एवरी 5 years में उसको बनाया जाता है, उसके बाद उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है. इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन द सेंस कि इट डजंट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. ऑलराइट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सिंपल सा क्वेश्चन था, सबने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए जल्दी से चाहिए मुझे इसका आंसर, एकदम सही आंसर चाहिए, बिकॉज हम ये कर चुके हैं.
basic structure of the Indian Constitution. राइट, एक्सीलेंट, सबको इसका सही जवाब आता है. इट्स केशवानंद भारती केस. देखिए, गोलकनाथ केस जो है वो फंडामेंटल राइट्स की बात ज़रूर करता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात पहली बार हुई थी वो हुई थी केशवानंद भारती केस में. ठीक है, डिफरेंस समझ आया? मैंने आपको क्लास के दौरान भी बताया था व्हाट इज़ द डिफरेंस. बोथ ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, बट केशवानंद भारती केस इज़ द पायनियर इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचे का एक हिस्सा है, इसलिए इसमें फेरबदल करना जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करना है. ऑल राइट, सो दिस वॉज द जजमेंट ऑफ द केशवानंद भारती केस. ऑल राइट, अगला देखें. नंबर 11, स्वराज विल नॉट बी अ फ्री गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इट विल बी अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडियाज फुल एक्सप्रेशन. ठीक है, ये सेंटेंस किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर इलेवन. ओके, राइट, चलिए सबको पता है इसका आंसर भी, इट्स सी. ओके, महात्मा गांधी ये कहते हैं कि स्वराज जो है वो हमें ब्रिटिश द्वारा कोई उपहार नहीं मिला है, ये हमारे पूरे देश का एक एक्सप्रेशन है. ठीक है, इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडियाज़ फुल एक्सप्रेशन. कब कहा था उन्होंने? 1922 में. हाय अंजलि, गुड आफ्टरनून. ठीक है, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट इट राइट. आस्था, वेरी गुड. इंदिरा, सोनू. ठीक है, ऑलराइट. महात्मा गांधी ये कहते हैं कि हमें दान में जो है ये चीज़ नहीं मिली है, आज़ादी हमको दान में नहीं मिली है, इट इज़ नॉट अ फ्री गिफ्ट, ये हमारे पूरे देश का एक एक्सप्रेशन है. 1922 में उन्होंने ये सेंटेंस कहा था. चलिए अगला, बिल्कुल सही मीनाक्षी, सी इज़ द करेक्ट आंसर. नंबर 12, अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ रिकग्नाइज एज अ रीजनल पार्टी इफ, चलिए ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ इसका आंसर, चलिए बता दीजिए. ओके, आस्था, इंदिरा, नेहा, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इज सी. अगर किसी रीजनल पार्टी को 6% वोट मिलते हैं, चाहे वो स्टेट में हो, ठीक है, या फिर वो लोकसभा में हो, ऑलराइट, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस में हो या लोकसभा इलेक्शंस में हो, उसको हम लोग रीजनल पार्टी के रूप में पहचाने जाता है. ठीक है, 6% वोट्स अगर उसको मिलेंगे चाहे लोकसभा में या असेंबली इलेक्शंस में, तो उसको रीजनल पार्टी के रूप में पहचाना जाता है. ओके, नंबर 13, द फोरमोस्ट पायनियर ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इज, चलिए वेरी सिंपल, स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट आंसर, बहुत ही इजी है ये. हीरा, बिल्कुल सही है आपका आंसर. सोनू, नौशीन, प्रवीण, एक्सेलेंट. चलिए इसका जवाब दीजिए. क्वेश्चन नंबर 13, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी.
hi, Shagol Shem, Denmark Singh, welcome. चलिए नंबर 13 का करेक्ट आंसर इज बी इमैनुअल वॉलस्टाइन. ठीक है, तीन तरीके से डिवाइड किया जाता है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में. सबसे पहले आता है कोर, सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी कंट्रीज. ठीक है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये लेबर के बेसिस पे डिसाइड होता है एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं दैट विच इज़ कोर कंट्री, विच इज़ सेमी पेरीफेरी एंड विच इज़ द पेरीफेरी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, इमैनुअल वॉलस्टाइन. नंबर 14 का आंसर, द डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेड सॉवरिटी वॉज प्रोपाउंडेड बाय. चलिए एक्सेलेंट इंदिरा, बहुत अच्छे. द करेक्ट, ओके इंदिरा, करेक्ट आंसर इज नॉट ए. ओके निशांत, एक्सेलेंट, करेक्ट आंसर इज ब्रेंसहेव. ब्रेंसहेव ने ऐसा ये क्यों कहा था, क्योंकि यूएसएसआर की जो कंट्रीज थी उनके लिए ये चीज़ कहा गया था, जिसमें वो कहते हैं कि यूएसएसआर के जो बाकी पार्ट्स हैं एक्सेप्ट फॉर द सोवियत, ओके, यानी कि जो रशिया है उसको छोड़ के बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सब कहने के लिए सॉवरेन हैं, बट इन रियलिटी दे आर नॉट अ सॉवरेन, क्योंकि उनको अगर कोई भी चीज़ करनी है, जो भी पार्ट कंट्रीज़ हैं सोवियत यूनियन की, उनको अगर कुछ भी चीज़ करनी है तो उनको अप्रूवल लेना होता है रशिया का. देयरफोर दे आर नॉट सॉवरेन इन द ट्रू सेंस, दे आर एक्चुअली लिमिटेड सॉवरेन, ऐसा कहा था ब्रेंसहेव ने. ठीक है, ऑल राइट, अगला नंबर 15. आफ्टर ब्रेकअप ऑफ यूएसएसआर सम ऑफ इट्स रिपब्लिक्स हैव कॉन्स्टिट्यूटेड देमसेल्व्स इनटू. राइट, आस्था, बिल्कुल सही. द करेक्ट आंसर इज ए, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. ठीक है, CIS, यानी कि USSR का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो जो रिपब्लिक्स थे उन्होंने अपने आप को कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में फिर से गठित कर लिया था. ठीक है, रिपब्लिक्स इन द सेंस, रिपब्लिक्स का क्या मतलब हुआ, कि जो पार्ट थे USSR के. ठीक है, ओके, बिल्कुल सही, ए इज़ द करेक्ट आंसर. इंदिरा, हीरा, बिल्कुल सही आपका जवाब. इसका जवाब दीजिए, इंडिया हैज़ नॉट साइन द NPT बिकॉज इट. इंडिया ने NPT क्यों साइन नहीं की थी, ओके. चलिए, सब ने इसका सही जवाब दिया है, करेक्ट आंसर इज सी, इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी. क्या मतलब हुआ डिस्क्रिमिनेटरी का, NPT का फुल फॉर्म क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. ओके, दिस इज़ द कंप्लीट फॉर्म ऑफ कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ NPT. नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब ये होता है दैट प्रोलिफरेट आप नहीं करेंगे, यानी कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी आप किसी और को नहीं देंगे.
5 कंट्रीज को रिकॉग्नाइज किया गया था. चलिए जल्दी से मेरे को मैसेज में बताइए व्हाट आर द 5 कंट्रीज. दीज 5 कंट्रीज वर रिकॉग्नाइज एज न्यूक्लियर कंट्रीज. ऑल राइट, और ये कहा गया था कि सिर्फ ये जो 3 कंट्रीज हैं ये न्यूक्लियर पावर को यूज़ कर सकती हैं या फिर इसको डेवलप कर सकती हैं, लेकिन ये जो 5 कंट्रीज हैं ये और किसी कंट्री को अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोलिफरेट नहीं करेंगी, यानी कि उसको शेयर नहीं करेंगी, उनको वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगी. ठीक है, इंडिया को ऐसा लगा कि न्यूक्लियर पावर जो है वो सिर्फ वॉर में यूज़ नहीं होता है, न्यूक्लियर पावर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बिकॉज ये एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स होता है. ओके, तो इसलिए इंडिया ने कहा कि पॉजिटिव यूज़ ऑफ न्यूक्लियर पावर शुड बी अलाउड टू एवरी कंट्री. ऑल राइट, एंड क्योंकि NPT 5 कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज़ को बैन कर देता था, इसीलिए इंडिया ने बोला कि या तो सबके लिए बैन होना चाहिए, ठीक है, या फिर सबको इसका पॉजिटिव यूज़ करने का परमिशन देना चाहिए. एक्सेलेंट नीरज, इट्स USA, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया. बहुत अच्छे इंदिरा, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना. आस्था, एक्सेलेंट. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्लब 5. ऑल राइट, ग्रेट बबली. चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 17. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इनमें से कौन सी चीज़ सही नहीं है. ओके, रिस्पॉन्सेज राइट. चलिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. क्यों डिफिकल्ट क्वेश्चन है? क्योंकि इसको जो फ्रेम किया गया है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से फ्रेम किया गया है. द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वो फॉल्स हैं. इसमें से कोई भी स्टेटमेंट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में फॉल्स नहीं है, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ट्रू है. इट इज़ पब्लिक ओरिएंटेड. बेसिकली न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इट इज़ एंटी पॉजिटिविस्ट, यानी कि वो एक जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आया था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें उन्होंने कहा था कि पब्लिक ओरिएंटेड होना चाहिए, जेनेरिक नहीं होना चाहिए. जो आपके देश के लोगों का इंटरेस्ट है उसको सर्व करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है. सबसे पहला पॉइंट, इट शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड, यानी कि आपके जो कस्टमर हैं उसकी जो नीड है, क्लाइंट बेस्ड. ओके, इट इज़ कॉल्ड क्लाइंट बेस्ड, यानी कि अगर आपके देश के लोगों की ज़रूरत खाना है तो आप खाना ला के दीजिए, इंडस्ट्रीज मत दीजिए जस्ट बिकॉज क्योंकि बाकी के देश जो हैं वो इंडस्ट्रीज वहाँ पे बना रहे हैं. इट्स मोर वैल्यू लेडन दैन बींग न्यूट्रल. जो आपके देश में जिन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है या जिस चीज़ की ज़्यादा नीड है उसको पूरा आपको करना है, ठीक है. बेसिकली इट टॉक्स अबाउट अ रिस्पॉन्सिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. वॉट डू यू मीन बाय अ रिस्पॉन्सिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? फाइल बनाना, जस्ट बिकॉज हमको स्कूल बनाने हैं इसलिए स्कूल मत बनाइए. बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ योर कंट्री, ठीक है. मतलब उसको थोड़ा और ज़्यादा अफेक्शनेट होना पड़ेगा, थोड़ा और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा टूवर्ड्स इट्स पीपल. ऑल राइट, सो दिस इज़ वॉट इज़ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. हिंदी में नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है.
ओके हिंदी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है टाइपिंग एरर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए आप। अकॉर्डिंग टू फेओल, एन एडमिनिस्ट्रेटर और अ मैनेजर मस्ट पोजेस 6 टाइप्स ऑफ एबिलिटीज, इज नॉट वन ऑफ दीज। ठीक है, नॉट बताना है आपको। ठीक है, हिंदी में मैंने इस बार ठीक कर दिया है। ओके हिना, बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट आंसर। मीनाक्षी, नेहा, एक्सीलेंट, सी इज द करेक्ट आंसर। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट टैक्टफुलनेस, रादर ही इज टॉकिंग अबाउट व्यवहार कुशलता। यहाँ पे दिया हुआ है दैट ही शुड हैव अ पॉजिटिव बिहेवियर टूवर्ड्स हिज पीपल। ठीक है, हेनरी फेओल, ऑलराइट। हेनरी फेओल क्या बात करते हैं? हेनरी फेओल बात करते हैं अपियरेंस की, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की और एक बिहेवियर की, यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर, व्यवहार कुशलता की, जो यहाँ नीचे ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी, यानी कि टैक्टफुलनेस जो है वो नहीं होना चाहिए। ओके, नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शनल फोरमैन हु सिट इन द प्लानिंग रूम सजेस्टेड बाय F.W. टेलर। क्लास में करवाया है, सबको आंसर इसका आना चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है क्लास तो आप जाके देख सकते हैं, F.W. टेलर की पूरी थ्योरी मैंने करवाई है। ओके, एक्सेलेंट इंदिरा, बहुत अच्छे। चलिए, तो F.W. टेलर कहते हैं 8 फंक्शनल फोरमैन होंगे। ठीक है, कितने फंक्शनल फोरमैन होने हैं? 8 फंक्शनल फोरमैन होने हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो बैठते हैं प्लानिंग रूम में और बाकी के 4 जो होते हैं वो बैठते हैं शॉप फ्लोर पे। ठीक है, क्लास आप एक बार देख लेंगे, शॉप फ्लोर पे बैठते हैं। जो प्लानिंग रूम में बैठते हैं उनके क्या काम है? उसका काम है रूट क्लर्क, इट्स इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क एंड शॉप डिसिप्लिनेरियन। ऑलराइट, स्पीड बॉस जो होता है वो शॉप फ्लोर पे जो आपका फंक्शनल फोरमैन होता है उसका पार्ट होता है। ठीक है, जो रूट क्लर्क होता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, शॉप डिसिप्लिनेरियन एंड प्लानिंग, यानी कि जो आपको ये बताएगा कि आपको काम क्या करना है, आपका गोल क्या है, ये 4 क्लर्क्स होते हैं जो फंक्शनल, जो प्लानिंग रूम में बैठते हैं। और जो स्पीड बॉस होता है वो आपका बैठता है शॉप फ्लोर पे, यानी कि वो बाकी के 4 फोरमैन, फंक्शनल फोरमैन का पार्ट होता है। ठीक है, F.W. टेलर का क्लास हुआ है, उसमें आप पूरा ये डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, नंबर 20, चलिए बहुत सिंपल सा है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। इट्स वेरी सिंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसको बस घुमा के लिखा हुआ है। राइट नौशीन, करेक्ट। ओके, सिंपल सा था, कोमल, नेहा, हिना, नौशीन, रिग्स, बिल्कुल सही नौशीन, इंदिरा, हीरा, नैनिका, एक्सेलेंट। द करेक्ट आंसर इज F.W. रिग्स। ठीक है, बेसिकली आपसे ये पूछा गया है यहाँ पे कि इकोलॉजिक ऑफ डेवलपमेंट जो है वो, जिसमें वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी एंड साला मॉडल की बात करते हैं, वो किसके द्वारा डेवलप की गई है? वो डेवलप की गई है F.W. रिग्स द्वारा। चलिए इसका जवाब दीजिए। According to Herman Simon, maximizing decision is not possible. He believes that rationality is possible in administrative behavior. Select the correct answer from the codes given below.
Okay. So the correct answer is A. Neha ne diya hai sahi jawab. Let's see Dream, Sonu Kumar, Komal and Neha. Okay. Correct answer is A. Maximizing decision का क्या मतलब होता है? हिंदी में भी मैं बता दिखा देती हूँ. मैक्सिमाइजिंग डिसीजन का क्या मतलब होता है? मैक्सिमाइजिंग डिसीजन का ये मतलब होता है कि हमको बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढना है. हर्बर्ट साइमन ये कहते हैं कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढना जो है वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो ये मानते हैं कि प्रशासनिक व्यवहार में विवेक संभव है. ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनैलिटी इज पॉसिबल इन रैशनैलिटी इज पॉसिबल इन डिसीजन मेकिंग, राइट, इन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर. ठीक है, राइट शिवानंद, देन बिल्कुल सही. नंबर 22, गांधीज क्रिटिक ऑफ डिटर्मिनिज्म इज रिवील्ड इन हिज बिलीफ ऑफ रिलेटिव ट्रूथ. बिकॉज ऑफ दिस ही बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ वन स्टेप एट अ टाइम. ओके, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इसको पॉज कर लीजिए, हिंदी में ये है. ठीक है, दिस इज व्हाट इज इट इन हिंदी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 22. ओके, 22वां क्वेश्चन है ये आपका. राइट, नेहा, कोमल, हीरा, बिल्कुल सही. द करेक्ट आंसर इज ए. क्या कहा गया है? गांधीज क्रिटिक ऑफ डिटर्मिनिज्म इज रिवील्ड इन हिज बिलीफ ऑफ रिलेटिव ट्रूथ. रिलेटिव ट्रूथ का क्या मतलब होता है? यानी कि जो आज सच है ज़रूरी नहीं है वो कल भी सच होगा. बिकॉज ही बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ वन स्टेप एट अ टाइम. एक बार में एक स्टेप लेना चाहिए. ठीक है, उसके बेसिस पे आपका ट्रूथ डिफाइन होता है. जब अगेन आप नेक्स्ट स्टेप लेते हैं तो उसके बेसिस पे आपका ट्रूथ डिफाइन होता है. एंड दैट इज वॉट ही मीन्स बाय रिलेटिव ट्रूथ. ओके, तुलनात्मक सत्य. ठीक है, अगला नंबर 23, इंग्लिश में पॉज कर लेंगे स्टूडेंट्स, इंग्लिश वाले. द सिटीजन्स नीड पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन टू प्रिवेंट द गेन्स मेड सो फॉर बाय द सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इंडियन सोसाइटी इज इन्वॉल्व्ड इन डेमोक्रेटिक जर्नी. ओके, हिंदी. ओके, सिंपल है, ए होगा करेक्ट आंसर. यानी हम भारतीयों को पेशेंस बनाए रखना होगा. ठीक है, ताकि हम अपनी जो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उनको प्रिजर्व करके रख सकें. ओके, उसका गेन कर सकें. क्योंकि जो भारत देश है वो अभी भी जो है एक लोकतांत्रिक मंथन में है. ठीक है, हम लोग अभी भी एक लोकतांत्रिक मंथन में चल रहे हैं. इसलिए हमें पेशेंस से काम लेना होगा ताकि हम रिफॉर्म्स का फायदा उठा सके. ओके, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम. सो व्हाट इज इट सेइंग? इट इज सेइंग दैट द सिटीजंस ऑफ इंडिया नीड टू बी पेशेंट. ठीक है, सो दैट वी कैन टेक गेन्स ऑफ द रिफॉर्म्स दैट हैव हैपेंड सो फार इन द कंट्री. ऑलराइट, बी इट सोशल, बी इट इकोनॉमिक, बिकॉज द इंडियन कंट्री इज स्टिल इन्वॉल्व इन अ डेमोक्रेटिक जर्नी. ठीक है, बिकॉज द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज स्टिल ऑन, इट इज स्टिल एन ऑन गोइंग प्रोसेस इन इंडिया. द इंडियन सिटीजन्स नीड टू बी पेशेंट सो दैट वी कैन टेक प्रॉपर गेन्स ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट वी आर फेसिंग इन द कंट्री. ओके, अंडरस्टूड इंग्लिश स्टूडेंट्स? हाई प्लानट फॉर ऑल, वेलकम, हेलो. चलिए क्वेश्चन नंबर 24.
The Westphalian sage system. Preferential policies need not always violate the principle of fairness, treating citizens as equals. May require treating them differently. ठीक है, हिंदी में ओके राइट, ए होगा इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, देख लेते हैं. प्रेफरेंशियल पॉलिसीज नीड ऑल ऑलवेज वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस. प्रेफरेंशियल पॉलिसीज का एग्जांपल हो गया जैसे आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी है इंडिया में. ठीक है, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं ओवर दी अदर ग्रुप. ठीक है, नीड नॉट ऑलवेज वायलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस. ठीक है, इसमें हम लोग किसी के लिए एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रूल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, दूसरे सेक्टर के लिए डिफरेंट होते हैं. सो इट इज़ प्रेफरेंशियल. ओके, बट दिस इज़ नॉट वायलेटिंग. कोई बात नहीं मीनाक्षी, इट्स ऑल राइट. एग्जाम में और ध्यान से आंसर दीजिएगा. ठीक है, सो वी आर नॉट वायलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस बिकॉज ट्रीटिंग सिटीजन्स एज इक्वल्स मे रिक्वायर ट्रीटिंग देम डिफरेंटली. बेसिकली यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है इस कॉन्सेप्ट की, ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली. ओके, ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड ट्रीटिंग अनइक्वल्स अनइक्वली. ओके, ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, ट्रीटिंग अनइक्वल्स अनइक्वली. कौन करता है इसकी बात? जस्टिस एज फेयरनेस. कौन है ये? चलिए कमेंट्स में बताइए कौन है जस्टिस एज फेयरनेस. ऑलराइट, सबसे पहले इसकी बात किसने की थी? एरिस्टोटल ने, यानी कि जिसका जो ड्यू है उसको वो ड्यू दिया जाए. इक्वल्स को अगर हम इक्वली ट्रीट करेंगे तो हमको अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करना पड़ेगा. एक्सेलेंट आस्था, इट्स रॉल्स. ठीक है, जस्टिस एज फेयरनेस, ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, ट्रीटिंग अनइक्वल्स अनइक्वली. उस कॉन्सेप्ट की यहाँ पे आपसे बात हो रही है और उसी के ऊपर क्वेश्चन ये बनाया है. ओके, नंबर 25, बिल्कुल सही कोमल अरस्तु. चलिए नंबर 25, ओके, हिंदी में एथिकल. राइट, बिल्कुल सही. प्लैनेट फॉर ऑल, सही कह रहे हैं.
ओके, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? राइट, प्लैनेट फॉर ऑल, करेक्ट आंसर इज ए. ठीक है, देखिए 1648 में जो वेस्टफेलिया स्टेट का जो सिस्टम था, वेस्टफेलिया स्टेट का जो सिस्टम था उसकी रेलेवेंस पोस्ट वर्ल्ड वॉर में ख़त्म हो जाती है, पोस्ट कोल्ड वॉर में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद आपके यूएन सैंक्शंस आ गए थे. ठीक है, ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रू. वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम का रेलेवेंस क्यों ख़त्म हो गया? बिकॉज ऑफ द टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एज डन अवे विद द यूएन सैंक्शंस. ओके, ऑल राइट. नंबर 26, the administrative science should study facts about human behavior without getting involved in the question of values. It is not necessary for science to process concepts before it develops principles, since choose the correct answer. Okay, great, Khushbu, chaliye, welcome back. Hindi mein, this is okay. चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सब लोग दे दीजिए. ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. ओके, राइट आस्था, सही आपका आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस शुड स्टडी फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर विदाउट गेटिंग इन टू द क्वेश्चन ऑफ वैल्यूज, विच इज़ ट्रू. एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस जो है, जो ट्रेडिशनल क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस जो है, वो बात करता है कि हमें वैल्यूज़ में नहीं जाना है, हमें सिर्फ प्रिंसिपल्स देखने हैं एंड फैक्ट्स देखने हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में. ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर साइंस टू पोजेस कॉन्सेप्ट्स बिफोर इट डेवलप्स प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. ओके, कॉन्सेप्ट ज़रूरी नहीं है पहले हो प्रिंसिपल से. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो इंटर रिलेटेड नहीं है, दे आर नॉट रिलेटेड टू इच अदर, दे आर टू इंडिविजुअल और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स. ठीक है, सो इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी, नंबर 27. ओके, सिंपल सा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 27.
ठीक है, बना लेंगे सब लोग इसका आंसर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी सी। सबसे पहले आई है प्लेटो की द स्टेट्समैन, उसके बाद आई थी मैकियावेली की आर्ट ऑफ वॉर, आर्ट ऑफ वॉर, उसके बाद है रूसो 1962 एंड उसके बाद है बेंथम। देखिए इसका एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपका जो सिलेबस है ना उसमें किस तरह से नाम दिए हुए हैं, इसी तरह से नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले प्लेटो आते हैं, फिर हम मैकियावेली को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम रूसो को पढ़ते हैं, देन आखिरी में हम लोग जाके बेंथम को पढ़ते हैं, है ना। एंड जो बुक होगी, जो भी आपने अगर बुक पढ़ी होगी, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जो बहुत अच्छी बुक या बहुत सेलिब्रेटेड बुक है, सबाइन करके, G.H. सबाइन की बुक है प्लेटो टू मार्क्स, अगर आप वो भी पढ़ेंगे तो उसका भी अगर आप कंटेंट देखेंगे तो वो भी इसी प्रकार से है, प्लेटो, मैकियावेली, रूसो एंड बेंथम। ठीक है, तो इससे भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। रूसो एंड बेंथम के बीच में कन्फ्यूजन हो सकता है, बट देख सकते हैं आप, इट्स 1762। ओ कोमल, बुक्स तो ऑलरेडी मैच्ड हैं, बुक्स ऑलरेडी मैच्ड हैं, आपको उसकी क्रोनोलॉजी बतानी थी, ठीक है ना, राइट आस्था, ठीक है, अच्छा ट्रिक था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28, बुक्स को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बुक्स को, राइट बबली करेक्ट, क्रोनोलॉजी बिठानी थी आपको। चलिए ये भी क्रोनोलॉजी बिठानी है आपको हिंदी में, ओके तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सी। ठीक है, सबसे पहले है
सी, सबसे पहले है हॉब्स की डेकाई, ठीक है, उसके बाद है एन एसे कंसर्निंग टॉलरेशन बाय शेरी, ओके दिस बुक इज़ बाय शेरी, देन इज कन्फेशंस एंड देन लास्ट इज रॉल्सिस बुक ऑफ 1993। सी होगा, 2-1, राइट, निशांत, आस्था, बिल्कुल सही, ओके। 29, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है, मैंने आपको पिछले तीन बार करवाया है इस टॉपिक पे, ये तीसरा क्वेश्चन है, कल भी किया था, परसों भी किया था, आज हम फिर कर रहे हैं। चलिए, इसी में से चूज करके बताइए आपका करेक्ट आंसर। सी कह रहे हैं मीनाक्षी, ओके, करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। सबसे पहले आई है ब्राउन लो कमिटी रिपोर्ट, ओके, उसके बाद आई थी एश्टन कमिटी रिपोर्ट, देन उसके बाद आई थी 3 फर्स्ट होर कमीशन रिपोर्ट एंड देन 1 फुलटॉन कमिटी रिपोर्ट। कल की क्लास में और परसों की क्लास में दोनों क्लासेस मैंने आपको बताया था, आप वो क्लास जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अगला, अरेंज द फॉलोइंग अर्थ समिट हेल्ड सो फार इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये भी कल मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, इसका भी जवाब दे दीजिए फटाफट। रियो डेनेजेरो समिट, कोयोटो समिट, बाली समिट, कॉपरनेगन समिट। राइट, नौशीन, हिना, करेक्ट, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके, ये जैसे दिया हुआ है दिस इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले है रियो डी जेनेरियो समिट, उसके बाद है कोयोटो समिट, बाली समिट एंड कॉपरनेगन समिट, ओके, करेक्ट, सबका आंसर सही है। अगला, नंबर 31, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अप्रोचेज इमर्ज्ड इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति में ये अप्रोचेस किस हिसाब से इमर्ज हुए आपको ये बताना है। सबसे पहले न्यू इंस्टीट्यूशन अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, फिलोसॉफिकल अप्रोच एंड देन बिहेवियरल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए सबने सही जवाब दिया है, एवरीबडी नोज द करेक्ट आंसर, इट इज़ सी, है ना। सबसे पहले आता है फिलोसॉफिकल अप्रोच, फिर आता है मार्क्सिस्ट अप्रोच, फिर आता है बिहेवियरल अप्रोच एंड लास्टली आता है आपका फोर्थ में द न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नंबर 33,
क्रोनोलॉजिकली बिठाना है इसको भी आपको। हाय खैरुल, कैसे हैं आप? वेलकम। डी, करेक्ट, डी इज़ द करेक्ट आंसर। 3421। ओके, सबसे पहले कम्युनल अवार्ड, फिर उसके बाद आपका सॉरी, सबसे पहले है साइमन कमीशन, देन कम्युनल अवार्ड, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन, एंड सबसे लास्ट में इज कैबिनेट मिशन प्लान। अगर आपको इसके साल नहीं भी पता है तो कैबिनेट मिशन प्लान सबसे आखिर में आया था, ठीक है? तो आपके ये दो ऑप्शंस हो जाएंगे। जो साइमन कमीशन था, इट इज़ द ओल्डेस्ट कमीशन, ऑल राइट? सो दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर। सो दिस बिकम्स ऑटोमेटिकली योर करेक्ट आंसर। ओके, आप एलिमिनेशन से भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन था। 34, आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द स्टेट्स वर क्रिएटेड। मैं अच्छी हूँ खैरुल, आई एम गुड। चलिए, 34। थर्टी फोर का आंसर ओके। डी, एक्सेलेंट। नौशीन, खैरुल, हीरा, कोमल, नेहा एंड प्रवीण, एक्सेलेंट। द करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है? सबसे पहले बना था हरियाणा 1966 में, उसके बाद बना है हिमाचल प्रदेश, देन बना है सिक्किम, एंड लास्टली बना है गोवा इन 1987। ओके, चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वॉर्सो पैक्ट, नाटो, हेलिंस्की अग्रीमेंट, ऑस्ट पॉलिटिक। मीनाक्षी, आप रिफ्रेश करके देखिए, आपको क्लियरली दिखने लगेगा।
ओके करेक्ट आंसर 35 का इज सी. ठीक है प्रवीण बिल्कुल सही, कोमल, नौशीन एक्सेलेंट. तो करेक्ट आंसर होगा सी. इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ. देखिए सबसे पहले वॉर्सो पैक्ट हुआ था कोल्ड वॉर के दौरान, ओके, जिसमें उन्होंने रशिया ने पैक्ट किया था बाकी कंट्रीज़ के साथ जिसमें वो एक दूसरे की मदद करेंगे. उसके बाद उसका रिस्पॉन्स था नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो इसीलिए पहले वॉर्सो पैक्ट आया था, उसके बाद आया था, सॉरी सबसे पहले नाटो आया था, उसका रिस्पॉन्स जो था वो था आपका वॉर्सो पैक्ट. ठीक है वॉर्सो पैक्ट पहले आया था, उसका रिस्पॉन्स दिया था रशिया ने. नाटो वॉज द फर्स्ट पैक्ट, उसका रिस्पॉन्स दिया था रशिया ने एज वॉर्सो पैक्ट. देयरफॉर सबसे पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, और जो लेटेस्ट इसमें है दैट इज़ हेलिंस्की जो यूरोप में साइन हुआ था. ओके दिस वॉज साइंड इन यूरोप, सो ऑटोमेटिकली द करेक्ट आंसर बिकम्स राइट. कोमल करेक्ट, मैं कंफ्यूज हो रही थी, नाटो पहले आया है, उसका फिर रिस्पॉन्स वॉर्सो पैक्ट जो था रशिया ने किया था जस्ट लाइक नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ओके 36 क्रोनोलॉजिकली बैठाइए इसको. फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कोरियन वॉल, बर्लिन ब्लॉकेट. ओके ठीक है. तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, ये आपसे टाइमलाइन पूछ रहा है वर्ल्ड कोल्ड वॉर की. अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि कोल्ड वॉर पढ़ने के लिए एनसीईआरटी की बुक है क्लास 12 की, उसको पढ़ लीजिए. ठीक है इट इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक, इट्स कॉल्ड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स टेक्स्ट बुक इन पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 12 एनसीईआरटी. ये बुक को आप पढ़ लीजिए, आपको सब सारे आंसर्स जो हैं इस बुक से मिल जाएंगे. ओके तो जो फॉल ऑफ बर्लिन है वो बेसिकली इट इज़ नोन एज द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है, एंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज नोन एज द ऑनसेट ऑफ कोल्ड वॉर. ठीक है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था जब फाइनली ये साबित हो गया था या ये फिर खुले में आ गया था कि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं यानी कि अमेरिका वो US के अगेंस्ट हो गई है. ठीक है कोल्ड वॉर को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसकी शुरुआत करते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से. बर्लिन ब्लॉकेट एंड कोरियन वॉर जो है दीज वर सटल इशारा था एक तरीके का वर्ल्ड वॉर क्राइसिस को लेकर. ठीक है सो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपका होगा, जैसा मैंने बताया फॉल ऑफ बर्लिन जो है उससे अंत हुआ था कोल्ड वॉर का, तो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है ये, सो डी बिकम्स योर करेक्ट आंसर. सबसे पहले बर्लिन ब्लॉकेट समवेयर अराउंड 1940s, कोरियन वॉर 1950s, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन 1960s एंड देन द फॉल ऑफ बर्लिन वॉर ऑन 1991. ठीक है जिससे जो बर्लिन कंट्री जिसको डिवाइड कर दिया गया था वो फिर से यूनाइट हो गई थी. ओके करेक्ट समझ आ गया. अगला 37
चलिए इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता दीजिए, सिंपल सा है। करेक्ट, सी सबका सही है। ठीक है, सिंपल है, जैसे जैसे पढ़ाई की थी, जैसे जैसे चैप्टर आपके बुक में दिया हुआ है, वैसे ही वैसे इसका आंसर होगा। राजा राममोहन रॉय हम सबसे पहले पढ़ते हैं, जब हम रेनेसांस की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वो सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले वही दिए हुए हैं, तो दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर। बाकी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट एनी हाउ इट इज़ राजा राममोहन रॉय, देन सर सैयद अहमद खान, ओके, देन बाल गंगाधर तिलक, एंड लास्टली वॉज रविंद्रनाथ। ठीक है, 38। करेक्ट नौशीन, एक्सीलेंट। नंबर 38, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड। ओके, आई होप आप लोग अन अकेडमी की क्लास भी अटेंड कर रहे हैं सब लोग, रोज शाम को 7 बजे। ठीक है, लिंक जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है, पारुल अंडरस्कोर पॉल साइंस। ओके, 7 PM पेपर 1, 38। नैनिका लालमुनि कुमार, बिल्कुल सही। आस्था, करेक्ट, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहले आई थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, फॉलोड बाय द इंडियन स्ट्रगल्स, द इंडियन विंस फ्रीडम, एंड लास्टली द आइडिया ऑफ जस्टिस। ओके, ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं, ये वन ऑफ द क्लासेस में मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, जल्दी से इसका भी जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, दिस इज क्वेश्चन नंबर 39। हिंदी, ओ सॉरी, दिस इज द हिंदी, सॉरी नौशीन, हिंदी में भी देख लीजिए। राइट, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि हैबियस कॉर्पस कमांड टू प्रोड्यूस द बॉडी इन पर्सन, यानी कि हैबियस कॉर्पस का मतलब ही होता है कि ब्रिंग द बॉडी। ओके, सर्तियोरारी यानी कि डायरेक्टिव्स टू द लोअर कोर्ट फॉर जुडिशियल बॉडी नॉट टू एक्सीडिंग इट्स लिमिट्स, यानी कि अगर कोई लोअर बॉडी अपनी जुडिशियल जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन है उससे बाहर जाके काम कर रहा है तो उसको वो उसको डायरेक्टिव्स देती है। मैंडमस यानी कि वन विच इज़ कमांड टू पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी, मैंडमस का मतलब ही होता है कमांड। ओके,
मैंडमस को इंग्लिश में कमांड कहा जाता है. को वारंट टू अ प्रोसीडिंग टू इंक्वायर इन टू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू होल्ड द पब्लिक ऑफिस. इसके अलावा एक और होता है विच इज़ प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन इज अगेन अगर कोई बॉडी और इफ एनी पब्लिक बॉडी और इफ एनी लोअर कोर्ट कोर्ट इज़ गोइंग बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन तो प्रोहिबिट करता है उसको सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट कि आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा रहे हैं, ना जाएं. ठीक है, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो है हमारे रिट्स मौजूद हैं एंड इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ द कोर्ट्स कैन प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग द रिट्स विच इज़ हैबियस कॉर्पस, सर्टियोरारी, मैंडमस, को वारंटो एंड प्रोहिबिशन यानी कि निषेध. ठीक है, चलिए स्कूल ऑफ थॉट एंड कॉन्सेप्ट्स. नैनिका बिल्कुल सही, डी. नेहा, काव्या, नौशीन बिल्कुल सही. नाउ वी आर डूइंग नंबर 40, स्कूल ऑफ थॉट एंड कॉन्सेप्ट्स. हिंदी में ओके, बाकी लोग जवाब दे दीजिए जल्दी से. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज डी. ठीक है, डी होगा आपका करेक्ट आंसर. Cambridge School is talking about national movement reflected the needs of the Indian interest of the elites. Marxist talks about the structural bourgeois movement. Okay, simple hai. Imperialist school is saying that Indian national movement was not an anti-imperialist movement. And nationalist school says that Indian nationalism was an Indian nationalist movement is an outcome of a sordid fight among the elites for spoils and benefit of the गवर्नमेंट. ठीक है, डी होगा करेक्ट आंसर. 40, 41. चलिए सिंपल सा है, जल्दी से. राइट, निशांत, ए इज़ द करेक्ट आंसर. सिंपल सा था, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. एफ डब्ल्यू टेलर इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, एस साइमन इज डिसीजन मेकिंग, एल्टन मेयो इज इकोलॉजिकल अप्रोच एंड रिक्स इज हॉथरन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एजेंडा फॉर पीस, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एफ पैक पॉलिसी, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान पॉलिसी. हिंदी, ओके, दिस इज हिंदी. निशांत, नहीं,
सॉरी। फोर्टी टू का करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सी, जैसा दिया है वैसा ही है। एजेंडा फॉर पीस वॉज फॉर ओबामा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट वॉज घाली, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वॉज गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा, एफपैक पॉलिसी वॉज कोफी अन्ना। ठीक है, बिल्कुल सही प्रवीण, सी इज द करेक्ट आंसर। 43 सिंपल है ये भी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये तो। चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए इसका। देशराज, एक्सीलेंट, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी सिंपल, सिर्फ नेचुरल रॉइट्स जॉन लॉक से कनेक्ट कर लीजिए, सी फोर, दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट, रूल ऑफ लॉ इज गिवन बाय डाइसी, सेपरेशन ऑफ पावर इज गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू, एंड मोनिज्म इज गिवन बाय जॉन ऑस्टन। ओके, 42 ए सिंपल। 43 अगला, 44 क्वेश्चन नंबर 44 हिंदी में, निशान, एजेंडा फॉर पीस इज बुर्त्रोस गाली। ओके, ठीक है, आई हैव टू री चेक, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। राइट, आगे आंसर 44 का, चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए 44 का। ओके, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका बी होगा करेक्ट आंसर। ए टू, चांगला कमीशन सर्विस मिन, राइट, चांगला कमीशन इज मिनिस्टेरियल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन is a functional field of IAS, Gore Commission is training of IPS, and Sarkaria Commission is strengthening of the Indian Foreign Services. 45, number 45. Question number 45 का करेक्ट आंसर,
ओके ठीक है, एक मिनट। इसका हिंदी इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 42 में एजेंडा फॉर पीस इज गाली। ओके जस्ट अ सेकेंड, इसको ठीक कर लेते हैं एक बार। एजेंडा फॉर पीस इज गाली। ओके, सो द करेक्ट आंसर बिकम्स डी, राइट? फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। ओके, फॉर दिस वन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अफगानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी विल बी ओबामा। रिस्पॉन्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स विल बी कोफी अन्नान। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट विल बी गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा। ठीक है, चलिए 45 का क्या होगा करेक्ट आंसर? डी। ओके, डी विल बी द करेक्ट आंसर। परेतो इज मूनी टॉक्स अबाउट। ओके, देर इज अ टाइपिंग एरर इन दिस वन। एनीवेज, द करेक्ट आंसर इज 3। ठीक है, परेतो इज टॉकिंग अबाउट अथॉरिटी। 4, कार्ल इज टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मूनी इज टॉकिंग अबाउट ब्यूरोक्रेसी। एंड मिलेट इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, 46, सी ओम अवस्थी। बिल्कुल सही, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 82, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 इज टॉकिंग अबाउट डायरकी इन प्रोविंसेस। B1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट टॉक्स अबाउट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म टॉक्स अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर द प्रोविजन्स। ठीक है, 47, कोमल। बिल्कुल सही, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी। फॉर्मेशन ऑफ बीजेपी 1980, एक्सेप्टेंस ऑफ द मंडल कमीशन रिपोर्ट बाय गवर्नमेंट 1990, फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी इज 1957, पासेज ऑफ द सेकेंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, नंबर 48,
करेक्ट, डी इज़ द करेक्ट आंसर निशांत ओम, बिल्कुल सही. ये मैंने आपसे स्टोरी में भी पूछा था, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, आधुनिक राजनीतिक चिंतन के हैं मैकियावेली. ओके, फिर उसके बाद प्रत्यक्षवाद के जनक हैं अगस्त कॉम्प्ट. ऑलराइट, फिर उसके बाद राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं अरस्तु एंड मानकीय राजनीतिक सिद्धांत के जनक हैं प्लेटो. ठीक है, 49. मार्क्सियन थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी या फिर गेम थ्योरी. हाय सौरव, वेलकम बैक. 49 का आंसर. क्या होगा 49 का आंसर? बी, ओम, बिल्कुल सही. बी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर. मार्क्सियन थ्योरी इज़ क्लास स्ट्रगल, रियलिस्ट थ्योरी इज़ पावर, डिसीजन मेकिंग थ्योरी इज़ पे ऑफ, सॉरी, गेम थ्योरी इज़ पे ऑफ एंड डिसीजन मेकिंग थ्योरी इज़ एनवायरनमेंट. ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. न्यूलिबरल, लिबरल, मार्क्सिस्ट, थर्ड वर्ल्ड. ओके, मीनवाइल पेपर वन 7 बजे अनअकैडमी के ऐप पे, स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, या तो मेरा प्रोफाइल ढूंढ लीजिए NTA UGC नेट पे, अदरवाइज लिंक जो है वो टेलीग्राम ग्रुप parul_polscience पे होगा. ठीक है, वहाँ पे आप आइए, क्लास अटेंड कीजिए. सिमिलर फॉर्मेट में MCQs होते हैं एंड क्विज होता है, है ना. क्विज फॉर्मेट में हम लोग MCQs को सॉल्व करते हैं, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे. करेक्ट आंसर इज़ बी, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया. निशांत, वेरी गुड. कोमल, नौशीन एंड नेहा, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. नव उदारवाद का है, नव उदारवाद इज़ 1, 2, 3 and 4. नव उदारवाद है रॉबर्ट नोज़िक, उदारवादी हैं जॉन रॉल्स, मार्क्सवादी हैं रोज़ा लक्ज़मबर्ग एंड तृतीय विश्व की बात करते हैं एडवर्ड सैंड. ओके, क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, किसी को कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ आया है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 45 क्लैरिफाई कर दिया है. ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट है या अगर लग रहा है कि कोई आंसर गलत मार्क हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर पढ़ के रिवर्ट बैक करूँगी. ओके, 7 बजे की क्लास मत भूलिएगा. मेक श्योर दैट यू कम ऑन टाइम, प्लीज़ कोशिश करिए टाइम से क्लास में आइए. 7 बजे की क्लास है अनअकैडमी के ऐप पे, मेरा नाम है पारुल माथुर, आप मुझे वहाँ पे ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज लिंक मिल जाएगा आपको parul_polscience पे. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम. ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, कोविड से सेफ रहिए. ठीक है, सो सी यू इन द इवनिंग एट 7 o'clock. बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग.